हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की जो क्लास है वो है प्योर सब्सटेंसेस की लास्ट क्लास है। इसके बाद जो प्योर सब्सटेंसेस चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स और सॉलिड्स हो गया, सॉलिड लिक्विड्स हो गए, लिक्विड्स ये दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स हो गए, उनको सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर दो अलग अलग टाइप के सॉलिड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर है तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले है मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड। अगर ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं। इसको सेपरेट करने के छह प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला जो है वो है फिल्टरेशन, देन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर है इवेपोरेशन, देन इज क्रिस्टलाइजेशन, देन इज क्रोमैटोग्राफी, एंड लास्ट में जो आता है वो है डिस्टिलेशन। सबसे पहला जो मेथड है वो है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन उस मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज़ होता है जिसमें जो सॉलिड के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो उस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, कि जो मिक्सचर है, यानी कि यहाँ पे एक मिक्सचर लिया हुआ है सी वाटर, यानी इसमें पानी और जो कुछ इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी होगी, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ठीक है, उसका ये बेसिकली एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, इस फनल में, ठीक है, इसमें फनल में एक फिल्टर पेपर लगाया गया होता है और फिल्टर पेपर जो है वो मोटे पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है, वो सिर्फ लिक्विड्स को अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है, तो इस रॉड की हेल्प से इसमें जो ये मिक्सचर है इसको पोर किया जाता है। तो धीरे धीरे करके ये जो मिक्सचर है ये फिल्टर होके ये इस नीचे रखे गए बीकर में कलेक्ट होता रहता है, ठीक है, और जितना भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं ये फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। तो इन जो सॉलिड सब्सटेंसेस ऊपर रह जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स उनको बोलते हैं रेजिड्यू। और जो नीचे जो ये बीकर में साफ पानी जो कलेक्ट हो जाता है या साफ लिक्विड जो कलेक्ट हो जाता है उसे बोलते हैं फिल्टरेट। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे देखिए यहाँ पे इसमें पानी डाला, ठीक है, ये इसमें इसके जो ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी है बेसिकली, इसमें इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो इस पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद इसको इस ये छन्नी स्ट्रेनर के थ्रू इसको छान लिया जाता है और इसका जो ये पार्टिकल्स हैं, इसके जो लीव्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। ग्रीन टी आई नो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है, बट इसको पीना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में बहुत हेल्प करता है और इस वायरस से लड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये जो नीचे बच गया है वो बन जाता है रेजिड्यू और ये बन जाता है फिल्टरेट। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेसिकली उस मिक्सचर को सेपरेट करने में यूज होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं इनको फिल्टरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं, लेकिन जो पार्टिकल्स सॉल्युबल हो जाएं उनको किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, उनको इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है यानी कि जो मिक्सचर है उसको क्या किया जाता है, उसको हीटअप किया जाता है, बहुत देर तक उसे गर्म किया जाता है, जिससे जो पानी है यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसके पीछे जो बच जाता है वो क्या होते हैं, सॉल्यूट्स के क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं सॉल्यूट्स के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वो है सी सॉल्ट, यानी कि जो समुद्री नमक है उसको कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो सॉल्ट और पानी का जो मिक्सचर है उसको लिया जाता है, उसको बहुत देर तक हीट किया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो बच जाता है वो बच जाता है सॉल्यूट्स। ठीक है, सॉल्यूट्स यानी कि नमक बच जाता है पीछे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिसमें उसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मिल्क दूध में से फैट निकालना यानी कि मक्खन निकालना,
उसमें क्या होता है कि मिल्क, दूध या मलाई, उसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिससे रोटेट करते करने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। और जब इसके जो ये कंबाइन होने के बाद ये सेपरेट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जैसे ये मक्खन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं कंबाइन होना शुरू हो गए, और ये जो है ये मिल्क है। तो धीरे धीरे जब ये पूरा कंबाइन हो जाते हैं, उसके बाद उसकी जो टॉप लेयर है यानी कि मक्खन जो है उसको ध्यान से रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके और एग्जांपल है, जैसे वॉशिंग मशीन है, स्पिनर है, सैलेड स्पिनर है। उसमें क्या होता है, जैसे सैलेड को वॉश करने के बाद उसके अंदर के जो वाटर है उसको रिमूव करना होता है। तो इसको देखो, जैसे बहुत ही हाई स्पीड पे ये रोटेट होता है, जिससे क्या होता है इसके जो वाटर है वो अलग सेपरेट हो जाता है, वो अलग से कलेक्ट हो जाता है, और अंदर का जो सैलेड है वो ड्राई अप हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे किसी चीज़ को रोटेट करके उसके अंदर के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन से क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। अब कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है कि जिसमें किसी भी एक लिक्विड में बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट का सोल्यूट जो है वो उसमें डिजोल्व किया जाता है, कि उसमें अगर और सोल्यूट डाला जाए तो वो डिजोल्व ही नहीं होगा, बिल्कुल ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो उसमें सोल्यूट है वो डिजोल्व हो चुका होता है। ठीक है, अब उस सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। उसको कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले उसका जो मिक्सचर है उसको बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आया जाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसको कूल किया जाता है, यानी कि उसके जो सोल्यूशन है उसको ठंडा किया जाता है। उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद उसको क्या किया जाता है? उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद जो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसको सुखाया जाता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जैसे ये सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, उसमें जो क्रिस्टल्स बन गए हैं, ठीक है, अब इन क्रिस्टल को फिल्टर करके इसको सुखाया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होती है? बेसिकली एक वो टेक्निक है जिसमें एक सोल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये जो इसका जो मेन पर्पस है बेसिकली, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये प्रॉपरली इनको एनालाइज किया जाता है, प्रॉपरली इनको स्टडी किया जाता है, जिससे जो मिक्सचर में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकवर की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रग टेस्टिंग है, ठीक है, ब्लड सैंपल्स है उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट कराने जाते हैं ब्लड का, ठीक है, होता है तो वो स्मॉल अमाउंट ही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, लेकिन उन्हें स्मॉल क्वांटिटीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा लार्ज इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकवर कर सकते हैं अपनी बॉडी के बारे में। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि कोई क्राइम सीन पे कोई ब्लड सैंपल उनको मिला है, ठीक है, तो उस ब्लड सैंपल के थ्रू, थोड़े से ब्लड सैंपल के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब जैसे ब्लैक इंक है वो भी मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर सब्सटेंसेस है, उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? पेपर क्रोमैटोग्राफी में। जैसे अब ये लिक्विड है यहाँ पे, अब इस लिक्विड में ड्रॉपलेट्स थे इंक के, ठीक है, दे वर ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? लिक्विड से इसमें एक पेपर डिप किया, ठीक है, तो ये जो इंक है, ये जो पेपर है, ये सारे इंक को अपने अंदर सोक कर लेता है, ठीक है, जिसके थ्रू इन इंक पार्टिकल्स को भी सेपरेट किया जा सकता है, और इस टेक्निक को बोलते हैं पेपर क्रोमाटोग्राफी। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड को पहले उसके वेपर्स फॉर्म में चेंज किया जाता है बाय हीटिंग। बहुत ज़्यादा उसको हीट करके पहले उसके वेपर्स में चेंज करते हैं, और उन्हीं वेपर्स को फिर ठंडा करके, कूल करके वापस उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब डिस्टिलेशन में क्या है? वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों टेक्निक्स लगती हैं। वेपराइजेशन में क्या है कि हीट करके वेपर्स फॉर्म में चेंज करते हैं, एंड कंडेंसेशन इज कि उन्हीं वेपर्स को ठंडा करके वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड है ये उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है, या यूज़ कर सकते हैं जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि ऐसे लिक्विड जो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं या हीट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मिक्सचर है मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर का, ठीक है, अब मिथाइल अल्कोहल जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे एवेपोरेट होती है या हीट अप होती है, और जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है यानी कि वेपर्स फॉर्म में चेंज होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे अगर मान लो कि ये मिक्सचर है वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल का, अब मिथाइल अल्कोहल जो है वो 45 डिग्रीज पे इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो धीरे धीरे वेपर्स फॉर्म में चेंज होने लग जाएगी। अब वो इस पाइप के थ्रू, ये जो वेपर्स हैं इस पाइप के थ्रू यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आते आते वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे वो आके कूल होना शुरू हो जाएंगे और वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे वो इस बीकर में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो बच जाएगा वो बच जाएगा वाटर यानी कि पानी, और इस बीकर में जो कलेक्ट हो जाएगा वो है अल्कोहल, ठीक है। तो इन दोनों लिक्विड्स को डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, और इसका इतना ध्यान रखना है इसको जो हीट करना है वो मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस तक की हीट करना है ताकि सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही है जो वो वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, कि अगर दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स अगर एक मिक्सचर में हैं तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। इसको सेपरेट करने के लिए दो मेथड हैं, सबसे पहला है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड देन इज बाय सेपरेशनल फनल। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड्स मतलब कि वो जो उसके अंदर के जो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हुए होते हैं, उनको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। उनको सेपरेट कैसे करते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस में, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस में लगा के उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे उनको लेके आके सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि जो उसके मिक्सचर के अंदर जो लिक्विड्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उसी के बेस्ड पे उसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंडर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के अंडर उनको ओरिजिनेट होता है वहाँ से, ठीक है। अब इस पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा मिक्सचर होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है, इनका मिक्सचर होता है, तो इनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, तो इनको सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मिक्सचर इसका, ठीक है, मिक्सचर को यहाँ पे हीट अप किया जाता है, बॉईल किया जाता है एट 400 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जो इसकी गैस होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाती है, तो ये फटाफट जो है ऊपर पहुँच जाती है और यहाँ पे होके गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें नेक्स्ट है जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या है कि वो 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो इसका जो गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल जो है वो इवेपोरेट होके इस पाइपलाइन के थ्रू कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेम केरोसिन 200 डिग्री सेल्सियस पे, डीजल ऑयल 300 डिग्री सेल्सियस पे, लुब्रिकेटिंग ऑयल 370 डिग्रीज पे, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रैक्शंस में कलेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें होता है कि नॉर्मल प्रेशर, इसके लिए प्रेशर चेंज करने की नीड नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लो प्रेशर पे वर्क करते हैं तो इसको नीचे की तरफ किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फिर उसमें फ्यूल या फर्नेस ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, ये अलग अलग प्रेशर के अंडर कलेक्ट होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट इसमें जो मेथड है वो है सेपरेशन बाय सेपरेशनल फनल, ठीक है। इस प्रोसेस में बेसिकली उन दो लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है जो इमिसिबल होते हैं। इमिसिबल मतलब कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस ये जो फनल है ये स्पेशल टाइप ऑफ फनल है जिसमें एक स्टॉप कॉक होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप कॉक है जिससे लिक्विड का जो फ्लो है वो रोका जा सकता है, ठीक है। अभी सेपरेशन फनल वर्क किस बेसिस पे करता है, डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज यानी कि जो दो लिक्विड्स हैं मिक्सचर में उनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है। डेंसिटी यानी कि वो कितने भारी हैं, कितने डेंस है,
उसी बेस पे उनको सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड केरोसिन ऑयल है, ये दोनों इमिसिबल है यानी कि मिक्स नहीं होते, तो उनको सेपरेशन फनल के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मिक्सचर को है ऑयल एंड वाटर का, ठीक है, इसको इसमें डाल दिया। अब बींग जो ऑयल है वो डेंस है, भारी है, नीचे थोड़ा सा सेटल हो गया, तो इसको धीरे धीरे नीचे निकलने देते हैं। जो ऑयल है ये धीरे धीरे नीचे निकलता रहता है। जैसे ऑयल जो है ख़त्म हो गया, तो तभी इसकी जो स्टॉप कॉक है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऊपर जो रह जाता है वो वाटर होता है, और जो नीचे कलेक्ट हो जाता है वो केरोसिन ऑयल कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सेपरेशनल फनल। आज की क्लास यहीं तक थी। रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम प्लीज क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर खुद आंसर करने की ट्राई कीजिए, ताकि आपको पता चले आपको क्लास में कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल या क्रिस्टलाइजेशन। आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग इज कॉल्ड, यानी कि उसको जो लिक्विड है उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल, सेंट्रीफ्यूगेशन, मैग्नेट या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। लास्ट क्वेश्चन इज, टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, उनकी जो टेक्निक है वो किस पे बेस्ड होती है, डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या डेंसिटीज। द आंसर इज डेंसिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।